हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नताशा कुए है और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। यह चैनल वेटनरी ग्रेजुएट स्टूडेंट के गाइडेंस के लिए बनाया गया है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रेडियस एंड अल्ना। सो रेडियस एंड अल्ना फोरआर्म रीजन के बोन्स है। सो आपको पता होगा स्कैपुला शोल्डर रीजन का बोन है एंड ह्यूमरस आर्म रीजन का बोन है। वैसे ही रेडियस एंड अल्ना फोरआर्म रीजन के बोन्स है। ये वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं प्रॉक्सिमली, मतलब ऊपर की तरफ। यह ह्यूमरस के कॉन्डाइल से आर्टिकुलेट होते हैं जिससे वह एल्बो जॉइंट बनाते हैं। सो यह है ह्यूमरस के कॉन्डाइल्स एंड वह रेडियस एंड अल्ना से आर्टिकुलेट होके एल्बो जॉइंट बनाते हैं। सो इस पार्ट को एल्बो जॉइंट कहते हैं। डिस्टली, मतलब नीचे की तरफ, वह कार्पल बोन के प्रॉक्सिमल रो से जुड़ते हैं। कार्पल बोन की पहली लाइन उससे जुड़ते हैं रेडियस एंड अल्ना, जहां वह कार्पल जॉइंट बनाते हैं। सो यह है कार्पल बोन की पहली लाइन जिससे रेडियस एंड अल्ना डिस्टली अटैच होते हैं और कार्पल जॉइंट बनाते हैं। रेडियस बोन वेल डेवलप्ड होता है, मतलब अच्छे से डेवलप हुआ होता है, और उसके कंपैरिजन में अल्ना इल डेवलप्ड होता है, मतलब वह अच्छे से डेवलप नहीं होता। रेडियस बोन लार्जर होता है, मतलब बड़ा होता है। अल्ना लॉन्गर होता है, मतलब लंबा होता है। अब हम देखेंगे रेडियस बोन। यह लॉन्ग टाइप बोन है, सो इसलिए उसमें दो एपिफाइसिस और एक डाइफाइसिस होता है। डाइफाइसिस में चार सर्फेसेस है। यह चार सर्फेसेस है क्रेनियल, कॉडल, मीडियल एंड लैटरल। ऐसे चार सरफेस होते हैं रेडियस के डाइफाइसिस में। फर्स्ट हम बात करेंगे क्रेनियल सरफेस की। सो क्रेनियल सरफेस स्मूथ होता है, कॉन्वेक्स होता है। और उस पर डिस्टली तीन ग्रूव्स होते हैं जिसमें से एक्सटेंसर मसल्स पास होती है। नेक्स्ट है कॉडल सरफेस, जो कि कॉनकेव होती है।
यह क्वाड्रिलैटरली फ्यूज्ड होती है, मतलब जुड़ जाती है। क्रेनियल सरफेस ऑफ अल्ना से जुड़ जाती है थ्रू आउट द लेंथ। सिर्फ दो जगह पे यह जुड़ती नहीं है, इसे कहा जाता है इंटरऑशियस स्पेस, मतलब दो बोन्स के बीच के स्पेस को कहा जाता है इंटरऑशियस स्पेस। सो यह दो प्लेसेस को कहा जाता है प्रॉक्सिमल इंटरऑशियस स्पेस एंड डिस्टल इंटरऑशियस स्पेस। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, सो यह दो प्लेसेस पे रेडियस अल्ना से नहीं जुड़ती। नेक्स्ट है मीडियल एंड लैटरल सरफेस। यह दोनों सरफेसेस राउंडेड होती है साइड टू साइड। अब नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। सो रेडियस के प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस पर दो फैसेट्स होते हैं और यह दो फैसेट एक दूसरे से सेपरेट होते हैं क्रेनियो कॉडल ग्रूव से। सो इन दो फैसेट्स में से मीडियल फैसेट लार्जर होता है और वह आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस के ट्रॉक्लिया से। सो याद रखिए मीडियल फैसेट पर ह्यूमरस का ट्रॉक्लिया आर्टिकुलेट होता है, वेराज लैटरल पर लैटरल स्मॉलर होता है। और यह ह्यूमरस का कैपिटलम अटैच होता है। क्रेनियली फैसेट के बीच में एक बीक लाइक प्रोजेक्शन होता है। जिसे कोरोनॉइड प्रोसेस कहा जाता है। चिड़िया की जो चोंच होती है उसे बीक कहा जाता है। उसी तरीके के एक प्रोजेक्शन क्रेनियली फैसेट के मिडल पे प्रेजेंट होता है जिसे कोरोनॉइड प्रोसेस कहा जाता है। सो क्रेनियली मीडियल फैसेट के नीचे एक रफ एलिवेशन प्रेजेंट होता है। जिसे रेडियल ट्यूबरोसिटी कहा जाता है। जहां बाइसेप्स ब्रकाई मसल अटैच होती है। अब डिस्टल एपिफाइसिस पर तीन फैसेट्स होते हैं। सो प्रॉक्सिमली दो फैसेट्स होते हैं एंड डिस्टली थ्री फैसेट्स होते हैं जो कि ऑब्लिकली प्लेस्ड होते हैं।
यह मीडियल टू लैटरल प्रेजेंट होता है। पहला होता है रेडियल कार्पल बोन के लिए फैसेट। नेक्स्ट होता है इंटरमीडिएट कार्पल बोन के लिए फैसेट। एंड तीसरा होता है अल्नार कार्पल बोन के लिए फैसेट। ऐसे तीन फैसेट होते हैं तीन कार्पल बोन्स के लिए। अल्नार कार्पल बोन के लिए जो बना फैसेट होता है वह लैटरली कंप्लीट होके स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना बन जाता है। सो यह है अनकोनियस प्रोसेस। यह है सेमिलुनर नॉच। यह होता है कोरोनॉइड प्रोसेस। यह है रेडियल ट्यूबरोसिटी। यह पार्ट है क्रेनियल सरफेस। क्रेनियल सरफेस ऑफ रेडियस। यह है ग्रूव फॉर एक्सटेंसर मसल। यह पार्ट को कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। यह है डिस्टल इंटरोशियस स्पेस। इसे कहते हैं कॉर्डल बॉर्डर ऑफ अल्ना। सो यह है प्रॉक्सिमल इंटरोशियस स्पेस। यह है ओलेक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना।
यह है राइट रेडियस एंड अल्ना ऑफ ऑक्स मीडियल व्यू। यह है ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। यह है अनकोनियस प्रोसेस। यह होता है सेमिलूनर नॉच। यह होता है कोरोनर प्रोसेस। यह होती है रेडियल ट्यूबरोसिटी। यह है क्रैनियल सरफेस ऑफ रेडियस। यह होती है वैस्कुलर ग्रूव। यह है कॉर्डल बॉर्डर ऑफ अल्ना। यह होगा प्रॉक्सिमल इंटरऑशियस स्पेस। सो यह है राइट रेडियस एंड अल्ना ऑफ ऑक्स लैटरल व्यू। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वेटनरी साइंस रिलेटेड और भी वीडियोस मैं इस चैनल पर लाती रहूँगी। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।